आज हम सीखेंगे मैदे का केक बनाना। बहुत इजी रेसिपी है। घर में बैठे बैठे लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप बढ़िया घर में अच्छी अच्छी रेसिपी बना के और केक बना के तो बच्चों को आप बहुत ही खुश कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, क्या क्या मिलाएंगे, ये चीज़ें आपको अभी हम दिखाते हैं। पहले ये है हमारा मैदा। मैदा लेंगे हम एक बाउल में। ये मिलाया हमने मैदा, ये देखिए हम मैदा मिला रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं यदि तो 3 बना सकते हैं। हमारे यहाँ छोटी बच्ची है तो हम इसको और ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि बच्चे केक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 3 से 3.5 हमने ये लिया। ये देखिए मार्केट में अवेलेबल है ये माप का। ये हमने लिया है एक बाउल के बराबर, 3 बाउल लिए और डाले। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे 3.5 से 3 बाउल में। हम जितनी शक्कर पसंद करते हैं, पहले से हमने इसको पीस के रख लिए थे, आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। ये देखिए इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के लिए भी हम छोटे ये 5 साँचे मिलते हैं। देखिए इस टाइप के, इसमें हम छोटे वाले साँचे में माप के तेल मिलाएंगे। ये देखिए बहुत इजी केक हमारा कुकर में 30 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे दही। अब इसमें हम मिलाएंगे दही, जितनी हमने शक्कर मिलाई थी उससे कम दही मिलाएंगे और तेल जो हमने मिलाया वो भी हम इसी के माप से मिलाएंगे। तेल और दही का माप एक ही रखेंगे। ये देखिए अब इसे हमें मैं यदि हमारे पास बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, यदि हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो हम इसमें खाने का सोडा भी मिला सकते हैं। लेकिन हम बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा दोनों आधे आधे चम्मच मिलाएंगे ताकि इसका स्वाद और अच्छा है और इसमें स्पंज बहुत बढ़िया है। ये देखिए हमारा बेकिंग पाउडर और ये हमारा सोडा। ये हम तब मिलाएंगे जब हम पूरा हमारा घोल तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे 1 कटोरी दूध। दूध हम ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हैं जब हमारा घोल तैयार हो तब तक। देखिए अब हमारा पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। दूध हम आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा मिलाना है। बिना अंडे का ये केक हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें हम 1.5 मिलाएंगे खाने का सोडा और 1 स्पून हम मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। हमारे पास विनेगर यदि है तो वो भी हम मिला सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा। ये देखिए क्लॉक वाइज हमें इसे घुमाना है। देखिए अब हमारा ये पूरे तरीके से तैयार हो गया है। देखिए अब इसे हम कुकर में रखेंगे।
कुकर में रखने से पहले हमें ये देखिए नमक, हमने इससे पहले भी केक बनाए हैं तो उसका ये जो नमक है वही बचा हुआ नमक है, ये देखिए। हम ये जाली रखेंगे इसके ऊपर, ये देखिए। अब जिस बर्तन में हमको रखना है उस बर्तन को रखेंगे, ऑयल इसमें हम ग्रीस लगाएंगे हल्का सा, तेल को ग्रीस करेंगे इस तरीके से, देखिए अच्छे तरीके से करना है ताकि हमारा केक चिपके ना। ये देखिए पूरे तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब इसमें हल्का सा मैदा डालेंगे ताकि हमारा केक चिपके ना। मैदा हम भुरकाएंगे इस तरीके से ताकि हमारा केक चिपके ना। पूरे तरीके से ये देखिए जितना बचा उसको हम अलग कर देंगे, ये देखिए। अब इसमें हम इसको इस तरीके से रख देंगे। ये जो हमारा ये तैयार हुआ, ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये हमारा घोल पूरा तैयार होना चाहिए। अब हम इसको इस बर्तन में हम डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम जितनी चीज़ हमारे घर में है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक बिस्किट का केक बताई थी, वो भी बहुत इजी है, जो बच जाते हैं बिस्किट हमारे घर में उसका केक तैयार कर सकते हैं। ये मैदे का केक देखिए, देखिए एक साथ हम दो चीज़ में केक तैयार कर रहे हैं। एक हम यही ग्लास में भी करेंगे, ग्लास वाला भी आज आप देखिए, दोनों केक को एक साथ रखेंगे। देखिए इसमें भी हम सेम मैदा हल्का सा डाल देंगे, ये जितना हमारा ये भुरकेगा ये उतना हम इसमें लगा लेंगे। और हमारा ये जो मिश्रण है वही हम आधा ग्लास में डालेंगे। देखिए अब हम दोनों चीज़ों को एक साथ रखेंगे कुकर में। देखिए एक तरफ ये, अब हम कुकर की सीटी निकालेंगे और हम रबड़ भी निकाल लेंगे इस तरीके से। हम इसे ढक देंगे और इसे गैस पे चढ़ाएंगे। ये 30 मिनट के लिए हमने इसे रख दिए। अब हम कुकर को खोलेंगे, ये देखिए अब हमारा केक काफ़ी हद तक बन चुका है, मुझे लग रहा है बन ही चुका है। देखिए इसमें इसको डाल के देखेंगे, इसमें चिपक नहीं रहा है, ये देखिए। मतलब हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसे बंद करेंगे।
अब हमारा केक हम इसे ठंडा होने के बाद निकालेंगे। 3 मिनट बाद ये देखिए इस तरीके से पटकेंगे। ये देखिए ये हमारा केक तैयार। ये देखिए कितना स्पंज आया है इसमें। ये देखिए इस तरीके से रखिए, ये इसको इस तरीके से रखिए। अब इसे हम तैयार कर सकते हैं घरी में मलाई द्वारा क्रीम बना के, वो हम इसके बाद वाले इसमें आपको बताएंगे। और ये अब हमारा केक तैयार हो गया। ये देखिए बहुत स्पंजी है ये। मैं श्रीमती चेतना रोहित देवलिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले एवं बेल को दबाना ना भूले, ताकि मैं आपके स्नेह और आपके प्रोत्साहन से और भी चीज़ें आपको बना बना के दिखाऊंगी। ये हमारा केक 12 मिनट में तैयार। थैंक यू मेरे चैनल को लगातार देखने के लिए।